हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है टॉप 10 क्लासेस के कड़ बैच में। प्यारे बच्चों, मैं आपका साइंस मेंटर आज आपको कक्षा 8 की साइंस पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, और साइंस की क्लास स्टार्ट करने से पहले कक्षा 8 के साइंस में आपको पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, आपके टाइम को ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपको कक्षा 8 के साइंस में किनका अध्ययन करना है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। नवीनतम का मतलब होता है नया। जैसे हम लोग जो है, एक कपड़ा गंदा हो जाता है, एक कपड़ा फट जाता है, तो दूसरे कपड़े को लाते हैं तो दूसरा कपड़ा नया होता है और नए तरीके के होते हैं प्यारे बच्चों। तो वही होता है नवीनतम प्रगति। प्रगति का मतलब किस प्रकार उसका विकास हो रहा है प्यारे बच्चों, किस श्रेणी में जा रहे हो आप। तो होता है विज्ञान एवं तकनीक, यानी विज्ञान और विज्ञान के आधार पर जो विज्ञान की तकनीक है, जो विज्ञान के सुझाव हैं, जो विज्ञान पे आधारित जो यंत्र हैं, उनके क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है उसके बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम लोग, दूसरा होता है मानव निर्मित वस्तुएं, यानी मानव के द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं के बारे में इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। कौन से अध्याय में? अध्याय 2 में, यानी मानव जिसको बनाया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर आता है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना कैसे हुई, प्रत्येक पदार्थ कैसे मिलके बने, इनके बारे में हम लोग अध्ययन किस में करेंगे प्यारे बच्चों? अध्याय 3 में करेंगे। चौथा आता है खनिज एवं धातु, यानी खनिज क्या होता है, धातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, खनिज कैसे बनता है, क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग चौथे अध्याय में अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। पांचवा आपका आता है, देखिए, सूक्ष्म जीवों का परिचय व वर्गीकरण, यानी जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जीव हैं, जिनको हमारी आंखें नहीं दे सकती हैं, उन जीवों का परिचय करेंगे, उन जीवों से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे कि ये देखिए हमारे कक्षा 8 के प्यारे बच्चों हैं, इनको बता दीजिए आप अपना इंट्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीवों का परिचय करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि इनका किस वर्ग में ये आते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला आता है छठवां अध्याय, कोशिका से अंग तंत्र तक, यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से जो अंग बने हैं, जो आपके अंग बने हैं, उनके बारे में हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सातवां होता है जंतुओं में जनन, तो जंतुओं में किस प्रकार जनन होता है, एक जंतु से दूसरे जंतु का निर्माण कैसे होता है प्यारे बच्चों, इन सब का अध्ययन हम लोग सातवें अध्याय करेंगे। आठवां आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, इन सब की अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। नौवां अध्याय आता है दिव्यांगता। दिव्यांगता क्या होती है प्यारे बच्चों, उनके बारे में अध्ययन नौवें अध्याय में करेंगे। दसवां आता है फसल उत्पादन, कैसे एक किसान फसल उत्पादन करता है, कैसे फसल का उत्पादन होता है, कैसे फसल की उत्पत्ति होती है, इन सब का अध्ययन हम लोग दसवें अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। ग्यारहवां अध्याय आता है बल और दाब। बल और क्या होता है, दाब, उनके बारे में अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, ग्यारहवें अध्याय में। बल क्या है, दाब क्या है, इन सब का पूरा डिटेल से जानकारी अध्याय 11 में कर लेंगे प्यारे बच्चों। अगला आता है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के यंत्र क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत क्या होता है, इन सब का जानकारी हम लोग अध्याय 12 में करेंगे प्यारे बच्चों। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या है, प्रकाश यंत्र क्या है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों। अगर आपको एक बल्ब आप देखते होंगे प्यारे बच्चों, अब ये बल्ब है, इस बल्ब से जो निकलने वाला चारों तरफ उजाला है, जिसके कारण अगर ये बल्ब बुझा दिए जाए तो हम नहीं दिखेंगे, ना तो आप हमको देख पाएंगे प्यारे बच्चों। अगर ये बल्ब जल रहा है तो जिसके कारण ये प्रकाश हम पे पड़ रही तो हम दिखाई पड़ रहे होंगे आपको। अब ये जो जिससे ये प्रकाश निकल रहा है, ये जो बल्ब है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश यंत्र कहलाता है प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब आगे अगला क्या है, विद्युत धारा।
अब ये जो अभी आपने जो बल्ब देखा, जो प्रकाश यंत्र देखा, उसमें जो प्रकाश जल रहा है वो किसके कारण जल रहा है? उसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके कारण जल रहा है। तो विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, जो आपके घरों में लाइट आती है उसके बारे में जानेंगे। चौथा आता है चुंबकत्व। बचपन में हम लोगों ने कई चुंबक एक दूसरे को चिपकाए होंगे, तो वो कोई कभी कभी दूर भाग जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाते थे, उनके बारे में चुंबक क्या है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक कैसे बनता है, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे 14वें अध्याय में। अच्छे से, खूब अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल के साथ साथ अध्ययन करेंगे, कैसे दिखाएंगे आप लोगों को कैसे क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपका 15वां अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्या होती है, कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, कार्बन कैसे बनता है, कैसा होता है, इन सब का अध्ययन प्यारे बच्चों 15वें अध्याय करेंगे। 16वां अध्याय आता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। यानी जैसे अगर सूर्य ना रहे, या हम कह दें प्यारे बच्चों कि ऊर्जा के स्रोत जो होंगे, ऊर्जा के वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है कि विकल्प रूप में उपस्थित। जैसे कि हम लोग बोर्ड का परीक्षा, किसी परीक्षा एग्जाम देने जाते हैं, बैठते हैं, तो प्यारे बच्चों वहाँ एक पेन के सिवा दो ब्लैक पेन और दो ब्लू पेन लेके जाते हैं कि अगर एक पेन ना रहा तो दूसरा पेन विकल्प के रूप में काम देता। तो उसी प्रकार एक ऊर्जा के स्रोत को छोड़कर दूसरा ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। तो वो सब अध्ययन हम लोग 16वें अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। 17वां अध्याय कंप्यूटर। कंप्यूटर आज की दुनिया में प्यारे बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जो गिनने का काम करता है, जो आपको मूवी दिखाने का काम करता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे कंप्यूटर के द्वारा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं प्यारे बच्चों जो कंप्यूटर, जहां कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी प्यारे बच्चों। तो कंप्यूटर का अध्ययन हम लोग 17वें अध्याय में करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपके कक्षा 8 की साइंस में 17 अध्याय पढ़ने हैं और 17 चैप्टर, 17 अच्छे अच्छे इंटरेस्टेड टॉपिक आएंगे प्यारे बच्चों, और आपको सारे चैप्टरों के बारे में प्रैक्टिकल के साथ आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। आप अगर चैनल पे नए आए होंगे डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। आपके इस कर्ण बैच में आपकी पूरी कक्षा 6, 7, 8 की टोटल साइंस की क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू प्यारे बच्चों।